हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, बैरियर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका मीनिंग बताना चाहूंगी। बैरियर्स होते हैं आपके हिंड्रेंसेस, आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपके जो हिंड्रेंसेस आ रही हैं वो हैं आपके पास आपके कम्युनिकेशन में आपके बैरियर्स। अब आपके पास यहाँ आपको डिफरेंट कैटेगरीज स्टडी करनी है और उस कैटेगरीज में डिफरेंट बैरियर्स आपको स्टडी करने हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके पास आपका कैटेगरी अलग होगा और आपके पास आपके बैरियर्स आपको अलग बताने होंगे। वो किस तरीके का होगा वो हम केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करेंगे। आज हम कंसेप्ट उठा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वन मार्क में भी आ सकते हैं, केस स्टडी फॉर्म में भी आपके पास आ सकते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मीनिंग होता है मिसअंडरस्टैंडिंग होना, फीलिंग्स की मिसअंडरस्टैंडिंग होना। जैसे कई बार व्हाट्सएप पे आपने देखा है, मैं आपको कोई मैसेज कर रही हूँ, सॉफ्ट टोन में गया था, आप वहां सुन तो सकते हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस है। उस टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए क्या हुआ, आपको लगा कि मैम तो रूड टोन में बात कर रही हूँ और आप उससे गुस्सा हो गए, या आप अपने फ्रेंड से गुस्सा हो गए, आपके फ्रेंड का और आपका बातचीत चल रहा था व्हाट्सएप पे, तो वो चीज़ क्या है, फीलिंग्स की रिगार्डिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। तो वही आपके पास आपके सिमेंटिक बैरियर्स है, मेन फोकस आपके फीलिंग्स की मिसअंडरस्टैंडिंग पे रहेगी। इसमें डिफरेंट बैरियर्स है। सबसे पहला आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, आपने शब्दों को सही से नहीं रखा, अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर लिया, फॉल्टी आपने, जैसे हम बोलते हैं कि माला में मोतियों को पुराना और फिर उनकी तरह कहना, यानी कि आपका जो बोलने का तरीका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ गलती कर गए हैं, गलत वर्ड्स यूज कर रही हैं। दोस्तों में आप कैसे भी बात करते हैं, पर जब बड़े के सामने जाते हैं तो थोड़ा आपको अदब से बात करना चाहिए, वहाँ आप मिस कर गए हैं। और वही चीज़ क्या है आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज, आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट किए जा रहे हो जो नहीं करना चाहिए, गलत वर्ड्स आपने चूज कर लिए हैं, तो वही है आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज। उसकी वजह से कई बार आपकी कम्युनिकेशन में हिंड्रेंसेज आती है। देखिए, हिंड्रेंसेज क्या है, कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या, कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सेम टोन में जाए आपके रिसीवर के पास, उस चीज़ से वो एग्री करे, ये ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ को उसी सेंस में समझे पहले, तो जो आप समझाना चाहते हैं ये कम्युनिकेशन है। आप मेरी हर बात में हामी भरो वो चीज़ नहीं, आप उस चीज़ को समझो जो मैं चीज़ कहना चाह रही थी, वो कम्युनिकेशन है। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज पहला हिंड्रेंस। सेकेंड आता है सिंबल और वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपके पास पोस्ट, अगर हमने पोस्ट वर्ड कैसे है, अगर हमें स्कूल हो या बड़ा पोस्ट लिया तो उस चीज़ में क्या है, महंगाई। मैं कहूँ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कअप, तो वहाँ पे हम प्राइस पूछना चाह रहे हैं। या मैं कहूँ वैल्यू ले लूँ मैं अगर, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मार्कअप, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, मैम प्राइस पूछना चाह रही है। मैं कहूँ आई वैल्यू माई फ्रेंडशिप, या आई वैल्यू माई रिलेशनशिप, या आई वैल्यू माई वर्क, तो उस केस में मैं इंपॉर्टेंस देना चाह रही हूँ। तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग कंटेक्स्ट में जाने के बाद मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो उस सेंस में ही सामने वाला पर्सन समझे जिस सेंस में आप कहना चाह रहे थे, तो ही आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होती है। थर्ड है फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा आईएएस ऑफिसर जो होता है उसकी अलग ही वोकैबुलरी मिलेगी, आपको वोकैबुलरी अलग होगी, और जो आपका गेट कीपर होगा उसकी अलग ही वोकैबुलरी मिलेगी। आप हम गेट कीपर बोलते हैं, हायर लेवल के लोग उनको बोलेंगे जेनेटर, आपके पास हम ड्राइवर बोलते हैं तो वो लोग बोलेंगे टैक्सेशन टर्म्स में जैसे आते हैं शोफर, शोफर ड्राइवर भी होता है, शोफर कार विद शोफर, और हम क्या कहेंगे कार विद ड्राइवर। तो ऑब्वियसली बात है अलग 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 आपके पास आपके चीज़ें होती हैं, तो मैनेजर को सबॉर्डिनेट को जाकर के उसकी इन्वायरमेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अगर आप वो अपने लेवल की बातें बोलेगा तो उसका जूनियर शायद समझ नहीं पाए, वो उस चीज़ को गलत ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे आप कई बार बुक्स रीड करते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता तो आप बस अंदाजा लगाते हो इस कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग ये बन सकता है, और वो हो सकता है कई बार आप फॉल्टी ट्रांसलेशन कर जाओ, तो उससे भी क्या होएगा, जो वो सामने वाला बंदा बात कहना चाह रहा था वो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मुझे अगर नहीं पता जनरेटर का मीनिंग, या मुझे शॉफर का मीनिंग नहीं पता, मैं सोचूंगी शॉफर कोई ऑफिसर होता होगा, तो उस केस में क्या होगा, मैंने क्या किया, गलत मैंने ट्रांसलेशन कर लिया है पर्टिकुलर वर्ड, तो उस केस में क्या हुआ, फीलिंग्स और वो फॉल्टी ट्रांसलेशन बीच में आ गई, और जो सेंडर कहना चाहता था वो बात मेरे तक आ ही नहीं पाई।
फोर्थ है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। हम कई बार सामने वाले बंदे के बारे में एक सोच बना के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं यार प्लस टू क्लास का स्टूडेंट है, इसको इतनी इंग्लिश तो आती होगी, और पता चला बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल से आया है, बच्चा कहीं ऐसे उसको नहीं पता वो चीज़ें, या बच्चे को नहीं पता एम एस ऑफिस के बारे में, और हम सोचे यार प्लस टू क्लास का बच्चा एम एस ऑफिस पता होगा इसको क्या होता है, और वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। वो चीज़ें क्या हुई क्लैरिफाई नहीं हुई है, मैंने उसके बारे में बिना जाने अजम्पशंस बना लिए हैं, और वो मेरे और मेरे पर्टिकुलर स्टूडेंट के बीच में क्या हो जाएगा एक बैरियर। सेम वे कंपनीज में होता है, अगर एक मैनेजर अपने जूनियर के बारे में एक अजम्पशन बना ले यार ये इतना काम करके आया इसको ये चीज़ तो आती ही होगी, मैं क्यों सिखाऊँ इसको या मैं क्यों पूछूँ इससे, इसको ये तो आता ही होगा, और वो उसने क्लियर नहीं किया, अजम्पशन बना लिया मैनेजर ने, और वो वहाँ पे कम्युनिकेशन में गैप आ गया, एक हिंड्रेंस आ गया। फिर टेक्निकल जार्गन, आप देखो आपके हिसाब के बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चों की अलग लैंग्वेज है, आप देखोगे इंजीनियर स्टूडेंट्स बोलेंगे सी प्लस प्लस जावा, आपके पास एचटीएमएल ये सारी चीज़ें, और आप लोग अपना बोलोगे बैलेंस शीट पेंडल अकाउंट, तो कॉमर्स के अलग टर्म्स हैं साइंस के अलग टर्म्स हैं, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के कारण आपके अलग अलग टर्म्स हैं। सेम वे विद मैनेजर, अगर दो डिफरेंट फील्ड के लोग मिल जाएंगे तो वहाँ कम्युनिकेशन में इंटेंस आना लाजमी है। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अपनी साइंटिफिक टर्म्स बोलना स्टार्ट कर दें तो क्या आप उसकी भाषा को समझ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे वो चीज़ जो हिंड्रेंस आई है वो क्या है? टेक्निकल जार्गन। लास्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। एक बार क्या होता है जैसे हमें हाँ करना होता है ना करना होता है, और मैं कहना चाह रही हूँ हाँ, और मैं ऐसे ऐसे गर्दन हिलाऊंगी, तो जो मैं कहना चाह रही हूँ और जो मैं मेरे गेस्चर से कहना चाह रही हूँ वो दोनों चीज़ें ही अलग हो गई हैं। तो उस केस में चीज़ें क्या हुई हैं, जो मैं कहना चाह रही थी और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और बीच में क्या आ गया है? हिंड्रेंस। तो ये है आपके पास सिमेंटिक बैरियर। आपको कैटेगरी और ये बैरियर्स बहुत ध्यान में रखने हैं, ये नहीं है बैरियर्स आप किसी और कैटेगरी में घुसा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर कैटेगरी और उसके प्रॉपर बैरियर्स आपको याद रखने होंगे। तो आज के लिए हम फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट करते हैं, इसको पढ़िए, आपको कोई डाउट आता है प्लीज़ पूछिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। Till then, stay home, stay safe. Thank you.